जोड़ियां भर के ले जाना तुम्हारे काम आएगा। पहली बात, हर बच्चा जब अपनी माँ की गोद में आता है तो वो कुछ पिछले संस्कार लेकर आता है, वो पिछले जन्म के संस्कार लेकर आता है। और फिर 6 महीने तक या 7 तक जब वो बोलने नहीं करता, माता से, पिता से, भाई से, बहन से, रिश्तेदारों से संस्कार प्राप्त करता है। और कुछ ही बात करने जा रहा हूं, मैंने भी संस्कार पैदा लिया। मेरा संस्कार दुनिया के संस्कारों से अलग है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं, पहले फिर आगे चलूंगा। मैं कोई 5 या 6 साल का होगा जब मेरे गांव का एक बुजुर्ग का मौत हो गई और हमारा घर सड़क के किनारे था और गांव के लोग रोते हुए, औरतें रोती हुई, 4 आदमियों ने उसको उठाया हुआ है, सामने शमशान घाट में ले गए और उसको लकड़ियों में रखा हुआ के लगा दी। मैंने देखा, मेरी छोटी छोटी आंखों ने देखा, मेरे छोटे से मन ने, बुद्धि ने सोचा कि ये क्या हो गया है। तो जब मेरी माता आई तो मैंने माता से पूछा, माता इसको क्या हो गया? कहती, बच्चा वो मर गया। कहाँ गया? भगवान के पास चला गया, मुझे नहीं पता भगवान क्या होता है। अच्छा, वो क्यों मर गया? वो बूढ़ा हो गया था। अरे माँ, तू भी बूढ़ी होकर मर जाएगी, मैं भी बूढ़ा होकर मर जाऊंगा, तो मुझे माँ ने जब्बी डाल दी। नहीं नहीं बच्चा, ऐसा नहीं कहते। अब माँ ने तो कोई इतनी ज्यादा बात नहीं की, मेरे को डाला ताकि मैं ना बात करूँ ज्यादा, ना मरने की बात करूँ। बच्चा है, इसको क्या पता। तो जब रात को सो गए, दिया बुझा दिया, मैं अपनी चारपाई पर लेटा हूँ, मेरे सामने सारा वॉल्यूम आ गया। आदमी को जा रहे हैं और औरतें रो रही हैं और उसको आग लगा दी। मैं घबरा के उठ कर रोना शुरू कर दिया बड़ी जोर जोर से। और मेरी माता आई, मुझे कहती, बेटा क्या हुआ? मैं क्या मां, मुझे कुछ नहीं हुआ, तेरे पेट दर्द होती। माँ तो ऐसे पूछती है ना, तेरे पेट दर्द होती ठीक कर स्पीड होंगी। मैं क्या, नहीं तेरा सिर दुखता, तेरू की हो गया। मैं क्या मां, मैंने ये बता कि मैं दुनिया में क्यों आया, तेरे मरना ही था। जब मरना ही है तो मैं क्यों आया? कहती, बच्चा अब बात को सुनना गौर से, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, एक गल कोई गुरु दस सकता है। गुरु बिना कंत नहीं, शाह बिना पत नहीं, ये उनके शब्द हैं मेरी माँ के। तो मुझे क्या संस्कार मिला? गुरु का संस्कार मिला। मुझे भगवान का संस्कार नहीं मिला, किसी देवी का संस्कार नहीं मिला, किसी देवता का संस्कार नहीं मिला, किसी पृथ्वी यात्रा का संस्कार नहीं मिला, धूप बत्ती का संस्कार नहीं मिला, आरती करने का संस्कार नहीं मिला। मुझे माँ के मुखारविंद से गुरु का पता लगा कि गुरु के बगैर बेटा कोई भी इस ज्ञान को नहीं बता सकता। तो 6 साल की उम्र से मैंने गुरु की खोज करना शुरू किया। बच्चा था, साधु आते थे, उनको पूछता था, बैठ पापा तू गुरु है? उनका नहीं पुत्र, मैं गुरु नहीं, मैं तालों के रोटी खाना। बस फिर मैं 10 साल का हो गया, मैं 11 साल का हो गया तो मैं 10वीं क्लास में हो गया, मैंने खाना ही छोड़ दिया, रोटी छोड़ दी। जब तक गुरु नहीं मिलता मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा। मेरी माँ बहुत परेशान हुई, पिता भी परेशान हुआ। मेरे पंजाब में मंदिरों मंदिर नहीं है, गांव में गुरुद्वारे हैं। तो मेरी माता गुरुद्वारे गई, महापुरुषों से कहा, बाबा जी मेरा पुत्र रोटी नहीं खाता, किसी आओ उन्हें समझाओ। वो संत, मैं उनका रूप मेरे सामने है, 6 फुट लंबे संत थे, माने हुए संत थे, मैं उसको समझता हूँ। सिर्फ 2 रोटी मांग के लाते थे गांव से, एक ही घर से 2 रोटी लानी खानी, रात को भी 2 रोटी लगा। वो अभी भी गुरुद्वारा है, मेरे हाथों में उनका दास मैंने संस्कार किया, उनका अपने हाथों से। वो आ गए, मुझे अपने पास चार पैर पर बैठा लिया, कहते बच्चा रोटी
ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਕਹਾ ਬੋਲੀ, ਅੰਨ ਛੋੜ ਕਦੇ ਪਖੰਡ, ਨਾ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਉਹ ਰੰਗ, ਰੋਟੀ ਛੋੜ ਕਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਔਰ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਸੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਮੁੰਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਔਰ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਤੋ ਅੰਤ ਮੇਂ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਕੁਦਰਤ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਪਲਾਈ, ਜਹਾਂ ਮਾਂਗ ਹੈ ਵਹਾਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਦੇਖੋ ਕਹਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵਹਾਂ ਸੇ ਆਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਸੇ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਪੀ ਪਹਿਚਾਣੀ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਸਕਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮਾਰੀ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਕੋ ਹੈਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮੇ ਵੀ ਉਸਕੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮਪੁਰ ਕੋ ਫਲਾਈਟ ਮਿਲ ਗਈ ਔਰ ਸਮਝ ਆ ਕਹਾਂ ਬਿਗਲੋ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਛਾ, ਇਹ ਹੈ ਇੱਛਾ, ਇਹ ਹੈ ਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਲਗਨ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਹੈ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ, ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਕਾ ਥਾ, 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਐਸਾ ਖੇਲ ਖੇਲਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮੁਝੇ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਚਰਨ ਮੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕੇ ਘਰ ਮੇਂ, ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕੇ ਘਰ ਮੇਂ ਸਤਸੰਗ ਹੋਤਾ ਥਾ, ਮਹੀਨੇ ਕਾ ਏਕ, ਕੇਵਲ ਏਕ, ਕੇਵਲ ਏਕ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂਗ ਕਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੂੰ, ਕਿਆ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਜਗ ਮੇਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਭਟਕਾ ਮੈਂ ਰਾਸੇ, ਮੁਝੇ ਰਾਸਤਾ ਬਤਾ ਦੋ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰਸਤੇ ਸੇ ਭਟਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਆਇਆ, ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਤਾਓ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਊਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਉਸ ਵਕਤ 50-60-70 ਹੋਤੀ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਅੰਗਣ ਥਾ, ਉਸ ਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੱਡੀ ਪਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਜਹਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਤਾ ਥਾ ਉਸਕਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਆਗੇ ਆਗੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਗਲੀਆਂ ਐਸੇ ਐਸੇ ਐਸੀ ਗਲੀਆਂ ਸੀ। ਜਬ ਆਖਰੀ ਗਲੀ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਆਗੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਮੁਝੇ ਦੇਖਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਮੇਂ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਉਨਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹ ਵਹਾਂ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਿਤਾਬ ਹੱਥ ਮੇਂ ਪਕੜਾ ਲਈ, ਬੱਚਾ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਕੋ ਸੁਣਾਨੇ ਲਗਾ ਹੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਕਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੁਝੇ ਮਿਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਕੋ ਸੁਣਾਊਂਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਤੁਮੇ ਪਤਾ ਚਲੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੁਮੇ ਤੁਮਹਾਰਾ ਰੂਪ ਬਤਾਤਾ ਹੈ, ਤੁਮ ਕੌਣ ਹੋ। ਕਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮੋਹੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਓ, ਉਹ ਕਿਆ ਥਾ, ਗੁਰੂ ਮੋਹੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਾਤਾ ਗਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਉਸ ਪਰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਥੇ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਬ ਮੈਂ ਚਿੰਤਨ ਕੀਆ ਉਨ ਵਿਚਾਰੋਂ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਉਨ ਸ਼ਬਦੋਂ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਉਨਕੀ ਬਾਣੀ ਪਰ ਜਬ ਚਿੰਤਨ ਕੀਆ, ਤੋ ਮੇਰੀ ਆਖ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕਹਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ, ਗੁਰੂ ਮੋਹੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਓ। ਜੇ ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੋਹੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਓ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਓ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ, ਕਿਆ ਕਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ
अपने सतगुरु स्वामी जी महाराज को लिखा है, उनके चरणों में जाकर के हम महाराज अपना रूप मुझे दिखाओ। और ये रूप जो आपका इस वक्त है ये सगुण है, नजर आता है, ये नजर आता है, इससे मुझे वो रूप दिखा दो जो असली है। अब मेरी बात को सुन लो, गुरु के तीन रूप है, तीन, एक रूप नहीं है। एक है शरीर का रूप जिसको सगुण कहते हैं, ये हार्ड मास का बना हुआ है, आपकी तरह का है, इसमें तीन गुण है, पांच तत्व है, रजोगुण भी है, सतोगुण भी है, तमोगुण भी है, पांच तत्व है, मन चित्त बुद्धि अहंकार सब कुछ है, ठीक है। एक रूप है जो तुम ध्यान में अपने अंदर बनाते हो, अपने अंदर ध्यान करते हो ना, गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छुपना, गुरु का ध्यान करना बताया जाता है कि उनके नाम का सिमरन करो और गुरु का ध्यान करो, उसको कहते हैं सिमरन, ध्यान और भजन, ये संत मत की शिक्षा है। तो जो रूप आपके अंदर तुम्हारा बनता है वो तुम्हारे मन ने बनाया है, वो तुम्हारा गाइड करता है, तुम्हें कुछ समझाता है, वो तुम्हें ताकत देता है, जो अंदर बनता है वो तुम्हारा मन है, गुरु नहीं बाहर से आता, वो तुम्हारा मन है। फिर गुरु तुम्हें उस मन से निकाल कर आगे ले जाता है, वहाँ है सतगुरु, वो है पूर्ण सतगुरु, वो भी तुम्हारे अपने अंदर है। और वो क्या है? वो प्रकाश है और वो शब्द है। वो कब मिलेगा? जब तुम गुरु जी की बात पर दृढ़ होकर चलोगे, उनकी आज्ञा का पालन करोगे, उनकी सेवा करोगे, तुम शरीर मन और आत्मा से भी आगे चले जाओगे और तुम्हें तुम्हारा रूप अंदर में पता लग जाएगा, हुए भाई मैं कौन हूँ, मेरी बात समझ गए। तो गुरु वो होता है ये शिष्य को उसका अपना रूप दिखा दे, फिर गुरु और शिष्य में कोई फर्क नहीं रहता, गुरु भी वही है, शिष्य भी वही है, ध्यान भी वही है, सिमरन भी वही है और भजन भी फिर वही हो जाता है। इसलिए सवाल कर रहे हैं हमारे राय गुरु राय बहादुर साहब महाराज, वो कौन थे ये भी बता देता हूँ। राय बहादुर जी महाराज हिंदुस्तान के पोस्ट मास्टर जनरल थे अंग्रेजों के टाइम में, और उनके गुरु थे स्वामी जी महाराज, उनका आपस में बहुत प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार था। वो तब तक रोटी नहीं खाते थे जब तक कि महाराज जी प्रसाद नहीं बना के भेज देते थे। कहते एक दफा चार दिन रोटी नहीं गई उनको, उनकी पोस्टिंग गई और उन्होंने रोटी नहीं खाई, चार दिन के बाद डाक मिली तो रोटी खाई, ये उनका सवाल है। तो स्वामी जी महाराज अगले शब्द में उनका जवाब जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वो हदायते हैं। नाम केला लेना ठीक नहीं है, नाम के साथ कुछ हदायतें होती हैं, जैसे हकीम कहते थे बच्चा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, तुम राजी हो जाओ, अब अंग्रेजी की दवाई खाओ, जो मर्जी खाओ, टीका लगवा लो, जो मर्जी खाओ, वो इलाज नहीं करेगा तुम्हारा, तुम्हारा इलाज करेगा परहेज, जो कहा गया है उस पर चलना पड़ेगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा। आगे
कोशिश होती है ना वो दौड़ा आता है, दौड़ा आता है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं जून में बहुत बड़ी गर्मी पड़ी, शर्मा जी भी आए हुए थे और उस हॉल में सत्संग था। मैंने शर्मा जी से कहा, मैं कि शर्मा जी गर्मी बहुत है, सत्संगी भी गर्मी में आते हैं, क्यों ना जून के महीने में छुट्टी कर लें। तो एक महीना छुट्टी कर लें, एक महीना सत्संग नहीं जून का हुआ। तो हुआ क्या कि मैं जब 20-25 दिन बीत गए तो मैं बैठा हूँ, चिंतन हुआ, बेवकूफ तुमने सत्संग क्यों बंद किया, मेरे अंदर से सवाल हुआ, तूने सत्संग क्यों बंद किया, तू ठेका ले बंद करने का, तेरी ड्यूटी है। फिर मुझे प्रेम साहब में शब्द आए, पिंचो सिंचो कंबली मेरा टूटे नहीं दे, ओ मेरे शब्द याद आया, फरीद भी कह रहे हैं बहुत ज्यादा, फरीद ने गुरु के दर्शन करने जाना, वो कहते भिज जा मेरी कंबली, भिज जा मेरे कपड़े, जो मर्जी हो जाए मेरा गुरु नाते ना टूटे। और मैं शर्मा जी को टेलीफोन किया, महाराज सत्संग दोबारा शुरू करो, मैं तो परेशान हो गया, आई लॉस्ट, मैंने बहुत कुछ खोया, गुरु की सेवा को छोड़कर मैंने बहुत कुछ खोया। और मैं बड़ा पश्चाताप किया कि कभी ऐसा मुझसे ना करवाना। मानवता मंदिर में जब तक मैं यहाँ हूँ भारत में हूँ, सत्संग जारी रहेगा, कभी नहीं छुट्टी पाई जाएगी। वो कहते हैं आपका रूप मुझे बहुत प्यारा लगता है, लेकिन वो जो तुम्हारा असली रूप है वो कौन सा रूप है, वो शरीर मन और आत्मा से आगे है। यही मेरे बाबा फकीर जी महाराज कहते कहा करते थे अंग्रेजी में, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ बॉडी, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ माइंड एंड गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ सोल, तीन छोड़ चौथा पद दीना सतनाम सतगुरु कर जीना। मन में नहीं है वो, मन में तुम्हारी श्रद्धा है, मन में तुम्हारा विश्वास है, शरीर में तुम्हारा प्यार है और कुछ नहीं है। लेकिन क्या अकेले प्यार से मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, दो चीजों से मिलेगा, एक आस और एक विश्वास। एक आस रखो, आस रख गुरु की दया की, हो न तू निराश कभी, जो हुआ निराश समझ ले तू ना गुरु का दास कभी। जिंदगी में जो निराश हो जाता है, जिंदगी से हाथ धो देता है, वो गुरु को जानता ही नहीं, गुरु की हस्ती क्या होती है। तुम्हारे आगे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रुक सकती जब तुमने गुरु को अपने दिमाग में बिठा लिया। क्या कहा मैं, गुरु बहुत बड़ी ताकत है बच्चों, समझो इस बात को। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मे श्री गुरु वे नमः। फिर शास्त्र क्या कहता है, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, कोई मंत्र और नहीं है, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा, मगर कब, जब तुम उसके हो जाओ, जे तुम मेरा हो रहे सब जग तेरा हो, गुरुवाणी कहती है, जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो। तू तो भटका हुआ है, कभी इधर कभी उधर, ठहर जाओ, ठहर जाओ, विश्वास करो, उसको दोनों मत, मन में कभी मत दोनों के, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, जो सोचोगे वो होके रहेगा, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी करनी तैसी भरनी, जैसी मती तैसी गति, ये कुदरत के बनाए हुए नियम हैं, नियम इन पर चल के देखो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा।
जाना चलता है, मेरे सीने से तेरे सीने में जाएगा। तू मेरे सामने बैठा है, मुझे देख रहा है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मेरी बात तेरे अंदर जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्या कह रहा हूँ मैं आपको, ये सीना सीना चल ज्ञान चलता है, ये किताबों से नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा किसी जिंदा महापुरुष से मिलेगा, जो महल में राज है, जो हकीकत को जानते हैं, जो पैसा इकट्ठा करने के लिए है या अपने डेरा बनाने के लिए है या अपने बच्चों को सब देने वाले हैं, वो तुम्हारा बेड़ा पार नहीं कर सकते। वो तो ज़्यादा बंधन में है, आपसे भी ज़्यादा बंधन में। क्या कहा मैंने शर्मा जी, मैं बुराई नहीं करता, असलियत बता रहा हूँ ताकि तुम आज़ाद हो जाओ। मैं भी तुम्हें अपने साथ नहीं जोड़ना चाहता, अब मैं तुम्हें अपने बाबा पीर की वाणी से जोड़ना चाहता हूँ। वो जो अजर अमर अविनाशी है, जो सर्वव्यापक है, सर्व अंग संग है, जो सर्व अंग संग है, सर्व समर्थ है, सब कुछ करने वाला है, वो अदृश्य है, हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। तुम लिखे में हो कि गुरु मेरा वहाँ है, गुरु मेरा, वो तो तुम्हारे अपने मन में है, तुम्हारी श्रद्धा में है, तुम्हारे विश्वास में है, यहाँ याद करोगे वो तुम्हारे साथ है। क्या कहा मैंने, करके देखो आगे। Ah!
शब्द गुरु को कीजिए पहुंचे गुरु लवार, अपने अपने स्वाद को छोड़ छोड़ वर्तमान कभी सबने कह दिया। शब्द गुरु को कहा है शब्द, एक सतगुरु के मुखारविंद से शब्द निकलता उसको पकड़ लो, एक तुम्हारे अंदर कई शब्द पैदा होते हैं, यहाँ जहाँ 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 ये पांच केंद्र हैं, यहाँ अलग अलग तरह के शब्द, जैसा जैसा तुम्हारी प्रकृति है, जैसे जैसे तुम्हारा शरीर है, जैसे जैसे तुम्हारे ग्रह हैं, वैसे वैसे आपके अंदर गिनतियाँ बजेंगी, किसी को ओम ओम सुनाई देगा, किसी को बम बम सुनाई देगा, किसी को रात साले की आवाज सुनाई देगी, किसी को बासी की आवाज, ये अंदर चलता है सिस्टम, लेकिन ये चीज़ें हमें पार नहीं करेंगी। हमें वो सार शब्द जो पांचों से आगे है वो हमें पार लगाएगा, वो मैं अब तभी बताऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, आपको रास्ते में नहीं छोड़ूंगा। गुरु पूर्णिमा का दिन है, सुनते जाओ, अब वो कहते हैं पढ़ो लाइन तब तक वो नजर नहीं आएगा। वो आगे जाते एक जगह के
बातें निकाल दे, दुनिया की बातें करना छोड़ दे। दुनिया ये तुम्हारी नहीं है, ये दुनिया उसकी है। तुम्हारी दुनिया तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी दुनिया तुम्हारे मन में है। जो तुम सोचते हो, विचार करते हो, वो तुम्हारी दुनिया है। दिल्ली तुम्हारी दुनिया नहीं है। मेरे लिए कोई मतलब नहीं दिल्ली का। मैं पूना में रहता हूँ, पूना का मोहल्ला मेरा दुनिया है, मेरा घर मेरा दुनिया। बाकी मेरी दुनिया कैसे हो सकती है? क्या कहा मैंने? मेरा मन, मेरे मन के ख्याल, मेरे मन की कल्पना, मेरे मन की सोच, मेरे मन की इच्छाएं, मेरे मन की श्रद्धा, मेरे मन का विश्वास ही मेरी दुनिया है। ऐसे ही तुम्हारी भी दुनिया ही तुम्हारे मन में है। क्या कहा मैंने? तो इन चीजों को छोड़कर तुम्हें क्या मिलेगा? गुरु कर गुरु तो फिर गुरु सहारा मिलता है। फिर गुरु सहारा देता है। कभी जहाज नहीं रुकेगा, जहाज रहेगा, टाइम पर तुम्हें बचा देगा। तुम्हारी इच्छा कभी, मैं एक दफा की बात बताता हूँ। शर्मा जी, मैं बिलासपुर में था, सर्दी का मौसम, तो वहाँ सुंदर नगर से बस आती थी और 4 बजे पहुँच जाती थी बिलासपुर, 4 बजे पूरी। और मैं सारे दिन नहा धोकर एक कप चाय पीकर बस स्टैंड पर होता था। सब पड़े जाऊँ, बस आई भरी हुई। अब बात को ध्यान से सुनना, मैं सत्संग में आना मैं तो गुरु के दरबार जाने की तैयार सीखा। जाना हम आना सी उसी बस में आता था, शनिवार को आना, एतवार को वापस चले जाना। तो बस इतनी भरी हुई, मैं पिछली सीट से पिछली खिड़की से अंदर चला गया तो मुझे कंडक्टर ने कहा, बाबू जी नीचे उतर जाओ, कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं, उतर नीचे। ये उसने कह दिया, मैं नीचे उतर गया। ड्राइवर सीट से उतर कर आया, सुना, ड्राइवर सीट से उतर कर आया और कंडक्टर को कहता, मुझे पूछा तेरे को कल है कि नहीं है, तेरे प्यो की गड्डी है, किसकी गड्डी है, तू बाबू जी क्यों उतार रहा, तेरी ड्यूटी क्या, क्यों उतार रहा बाबू जी? कहना बाबू जी अंदर आ। मेरे को अंदर ले गया, अपने बस के साथ मुझे बिठा के ले आया क्या ओ, मैं क्या बताऊँ आपको, जिंदगी का मैं सब अच्छा लिख दिया हूँ, अपनी जीवनी में लिख दिया है। पहले जिंदगी में क्या कुछ पाया, कैसे पाया? गुरु की कृपा से पाया। वो सब कुछ देते हैं, वो कोई कमी नहीं छोड़ता। मगर वो कहते हैं कि मैं बगैर मेरी सहायता से कोई मेरा रूप नहीं देख सकता। और सहायता कब मिलेगी? जब तुम उनके बताए हुए मार्ग पर चलोगे। आगे बढ़ो। कुछ
कर्मी जो हमने पहले की हुई है, कुछ कर्मगत जो अब तक हम की हुए हैं, जो हम कर रहे हैं, ये हमारा जीवन है। और क्या है तो करनी पड़ेगी। करनी कैसे? अपने आप को बैठाना होगा, गुरु की बात पर चिंतन करना होगा और अपने अंदर चलने की कोशिश करनी होगी, दुनिया को भूलना होगा। वो बनेगी आपकी करनी। करो करनी करो, मार मन डालो, मन मरता नहीं। उन्होंने लिख दिया, मन मारा नहीं जाएगा, किसी से नहीं मरा। हाँ, इसको थका लो। कबीर ने कहा, मन तू थकत थकत थक जा, इसको थका लो। करो काम, तू करो। तुम काम करते हो, शरीर से काम करते हो, थक जाते हो, सो जाते हो। हम मैं पढ़ता था, पढ़ाता था कॉलेज में, मन थक जाता था, एकदम नींद आ जाती थी। कोई ख्याल आते क्यों शर्मा जी? ऐसा था ना, स्कूल से आना कहना बस बच्चे ने सिर खा लिया फोन में। ऐसा ही होता है, 4 घंटे बोले अब आराम करना, मन अपने आप थक जाएगा। इसको थका दो, थक गया ठहर जाएगा। अहम को छोड़ दो, आशाओं को भूल जाओ। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है। मैं क्या कहता हूँ, मेरी जिंदगी ये बताती है कि मैंने कुछ नहीं किया। जब से गुरु दिमाग में बैठ गया, सब कुछ अपने आप हो रहा है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना मैं सोचता हूँ ना मैं करता हूँ, करने कराने वाला और है। इसलिए वो कहते हैं, करने करो, मान मान डालो, इंद्री अपनी आँखों को बचाओ, अपने कानों को बचाओ, अपनी सुगंधी को बचाओ, अपने बोलने को बचाओ, अपने सुनने को बचाओ। ये 5 ज्ञानेंद्रियां तुम्हारा दुश्मन बन जाएगी। और कुछ दुश्मन नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा शरीर की ज्ञानेंद्रियां ही तुम्हारा शत्रु है। इन्होंने कुछ देख लिया, आकर्षित हो जाएगी, उधर दौड़े। क्या सुंदर, क्या सुंदर, क्या सुंदर, मिट्टी की मूर्ति सुंदर है। समझे मेरी बात को? इनको बचाओ, 5 ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान प्राप्त करने में लगाओ, ज्ञान प्राप्त करने में लगाओ। इनको ऐसे मत जाने दो। सुनना है तो गुरु की वाणी सुनो, बोलना है तो गुरु के गुण गाओ, देखना है तो गुरु की मूर्ति देखो। हर जगह कहा मैंने, टच करना है तो गुरु के चरण को टच कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या कहा मैंने? ये है रैनी जो बता रहा हूँ, रैनी। और करनी घरनी करनी, तुमने एक जगह बना लो घर में, पक्का निश्चित रूप से वही बैठना है। सुबह उठो, नहाओ, जल्दी उठा करो, तो फिर 10 बजे उठते हो तो फिर तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। संत मत में अर्ली टू बेड अर्ली टू राइट, दैट मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ। अब तो 12 बजे से पहले तो सोता नहीं शर्मा जी। टीवी देखते हैं, खाना खाते तो भी टीवी, खाना खाते तो भी टीवी, सुनने लगे टीवी को बंद करेंगे, क्या फायदा होगा? दिमाग तो कहीं और लग गया। क्या कहा मैंने? इसलिए करनी करो, करनी तुम्हारे काम आएगी, कर्म तुम्हारी जिंदगी बनाएगा। जो भी कर्म तुम्हें मिला है, दुकानदारी करते हो, पढ़ाते हो, बिजनेस करते हो, सरकारी नौकरी करते हो, उसको मालिक की समझ कर करो कि ये सरकार की नहीं है, मैं मालिक की नौकरी कर रहा हूँ। तुम्हारा मन शुद्ध रहेगा, तुम्हारा मन साफ रहेगा। अगर सरकार की नौकरी कहोगे तो फिर तुम घड़ी देखोगे, घड़ी हो गई कि नहीं, 5 बजे तो जाना है। जब मालिक का सामने होगे उस काम के, तो घड़ी को नहीं देखोगे। क्या कहा मैंने? मैं अपने जीवन का तजुर्बा बता रहा हूँ। नेवर सी द वॉच, कभी घड़ी मत देखो। काम पर हो, घड़ी नहीं देखना। हाँ, काम पर जाना है तो घड़ी देखो, ताकि लेट ना हो जाओ, पूरे टाइम पर वहाँ पहुँचो। वक्त की कदर करो, जिंदगी में वक्त की कदर करो। जिसने वक्त की कदर की है, वक्त उनकी कदर करता है। जिन्होंने वक्त की कदर नहीं की, वक्त उनकी भी कदर नहीं करता। वो साफ के साफ रह जाते आगे। अनुभव
रूप है और वही उसका दरबार है। वो कहाँ है? द्वारे अंदर। ये मैं आज क्योंकि गुरु पूर्णिमा है आध्यात्मिक सत्संग दे रहा हूँ, समाज का सत्संग नहीं है, धर्म का सत्संग नहीं है, ये तुम्हारा अपना सत्संग है जिसको आध्यात्मिक दुनिया कहते हैं। धर्म के कुछ नियम है, हर धर्म के कुछ नियम है, इसका कोई नियम नहीं है, इसमें कोई किसी तरह का पखंड नहीं है, बस दिल को साफ करना है और अपनी दिमाग को कुदरत के आगे रखना है। तुम्हारी कुदरत आज नहीं तो कल, कर ली तो परसों आपकी मदद जरूर करेगी। कभी घबराना नहीं, कभी हारना नहीं जिंदगी में, और निश्चित करो कि वो है। एक बात और कह देता हूँ, गुरु पूर्णिमा है, तुम्हारा ये रूप अकेला नहीं है, चार रूप है, तुम्हारे चार रूप हैं, चार, एक शरीर ये भी तुम्हारा रूप है, एक मन वो भी तुम्हारा रूप है, जो तुम्हारे साथ तुम्हारे को सुनने में सब कुछ दिखाता है ना, सुनने में, सुनने में तुम्हें पता लगता है कि मैं सुनने में हुए, तुम खाते भी हो, पीते भी हो, दौड़ते भी हो, कुछ करते हो, सुनने में करते हो ना, तो तुम वहां भी पूरे हो, वो सुनने का रूप है, लेकिन वो झूठा है, ये सच्चा है, जो अब है ये सच्चा है, सुनने का सच्चा नहीं है। ये सच्चा कब तक है? जब तक घट में प्राण है, जब तक हमारे घट में प्राण चल रहे हैं ये तब तक सच्चा है, उसके बाद ये भी स्वप्न है। बात समझ रहे हो? तीसरा तुम्हारा रूप है प्रकाश, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप निशान, तुम्हारा तीसरा रूप है प्रकाश, वो प्रकाश भी तुम्हारे अंदर है, गायत्री मंत्र पुकार पुकार कह रहा है कि ऐ इंसान तू जागृत स्वप्न सुष्पति से आगे प्रकाश रूपी सूर्य में जा, उसको अपने जीवन का पथ प्रदर्शक बना ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। आज कोई भी नहीं सरता का कहाँ प्रकाश है, कहाँ शब्द है, किसी को कुछ पता नहीं है, कहाँ हो गया सारी दुनिया को, हम सारा सनातन धर्म भूल गए, हम सब कुछ भूल गए, हमें सब कुछ पता नहीं अब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या कह रहा हूँ मैं। वो चौथा रूप तुम्हारा अपना वो है जो माल के कुल की अंश है, तुम शरीर से पूजा करोगे वो नहीं मिलेगा, तुम मन से जो मर्जी करो, कर्म कांड करो, यात्रा करो, धर्म करो, दान दो, पुण्य करो, ज्योति जलाओ, तुम वहां नहीं जा सकते, तुम आत्म स्वरूप हो जाओगे, तुम हल्के हो जाओगे, तुम्हारा मन साफ हो जाएगा और तुम हमेशा आनंदित रहोगे क्योंकि तुम प्रकाश रूप हो। और फिर जब सदगुरु की दया होती है वो तुम्हें प्रकाश से निकाल कर शब्द में ले जाता है और वो हमारा अंतिम ध्याय है, वहां से जन्म नहीं होता, फिर हमें यहाँ नहीं आना पड़ेगा, हम सतगुरु की गोद में चले जाएंगे। तो उस रूप की खोज करो, ये रूप वो बता रहा हूँ जो स्वामी जी बता रहे हैं, वो हमारा चौथा रूप है। और पांचवा रूप क्या है? पांचवा रूप भी है, जब हमारी सुर प्रकाश और शब्द से भी अलग होकर अपने आप को देखती है, वो पांचवा रूप है। सतगुरु बाबा की जी महाराज कहते थे, जब मैं चला जाता हूँ, प्रकाश को देखता हूँ, शब्द को भी सुनता हूँ, फिर मैं अपनी खोज करता हूँ कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मेरी कोई था नहीं है, मेरी कोई सीमा नहीं है। इसलिए दादा दयाल जी महाराज ने उनको लिख दिया था, फकीरा रूप तेरा अति प्यारा, रूप तेरा अति प्यारा, आखिर में कहा राधा स्वामी रूप ना कर तू व्यापक संसारा, तू तो सारे संसार में है, इसलिए मैं शुरू में कहा था गुरु सर्वव्यापक है, गुरु सर्व अंग संग है और गुरु सर्व समर्थ है, तीनों चीजें गुरु के पास है और वो गुरु कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। बाहर के गुरु के ये ड्यूटी है कि तुम्हें अंदर का रास्ता बता दे और तुम्हें वहां ठहरा दे, बस और कुछ नहीं। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो, आगे Bye.
धुन होती है, इसलिए इसको कहा गया श्रुत शब्द योग। मन शब्द योग नहीं किया गया, श्रुत शब्द योग। श्रुत उस शब्द को सुनती है और जब वो सुनेगी तो अनामी धाम मिल जाएगा, जिसका कोई नाम नहीं है। मैंने भी अपनी पता नहीं बेवकूफी की, अपनी जो मेरी अपनी जीवनी है जो मैं अंग्रेजी में लिखी, मैंने कहा मैं सभी उस पर लिख दिया मैंने, आई विल अवेपोरेट इन द यूनिवर्स। शरीर को छोड़कर कहाँ जाऊँगा? अवेपोरेट इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में मैं फैल जाऊँगा। कैसे? जैसे पानी की भाप उड़ती है और यही कम हो जाती है। क्या कहा मैंने? ये हमारी जिंदगी है। आगे सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी से भी तुलसी संगत साध की कोट करे अपराध, ऐसा कहा गया है। संगत जरूर करो, सत्संग अगर हफ्ते में नहीं कर सकते तो महीने में कर लो, महीने में नहीं कर सकते तो दो महीने में कर लो, दो महीने में नहीं कर सकते तीन में कर लो, छह महीने में कर लो, लेकिन साल में तो जरूर एक दफा कर, तुम्हारे मन की सारी गंदगी निकल जाएगी। तो भी आप प्रगटा जगत में सगनी जो चुनरी दादा जाल कहते जो भी आया है अपनी चुनरी दिला दो, ये चुनरी बहुत गंदी हुई हुई है। शत्रु हमारे इस चुनरी को साफ कर देता है, यहाँ जन्म जन्म के संस्कार हैं वो साफ कर देता है, हमें अपना ही रूप दिखा देता है। जैसे उन्होंने कहा सत्संग करना भाई, और मैं तुम्हें धैर्य देकर तुम्हें एक दिन सहारा जरूर दे दूंगा। हैव फेथ इन हिम। परमदयाल जी महाराज ने मेरे पास एक लिखा हुआ पढ़ा है, उनके हाथों का लिखा हुआ अर्जुन पूर्ण में है, सच्चे दिल से दुआ देता है ये की उर्दू में लिखा हुआ है मेरे पास, सच्चे दिल से दुआ देता है ये कि खुश न हो बा सेहत न हो और अमीर, तीन चीजें, खुश न हो बा सेहत न हो और अमीर। फिर क्या करो? दिल में रहे किसके? तुम्हारे दिल में रहे एक आस और विश्वास और कुछ नहीं, दिल में रहे एक आस और विश्वास, तुम्हारे अंदर है हर वक्त जाते फिरती, वो बाहर नहीं है, मानवता मंदिर में नहीं है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है हर वक्त जाते होगी। कहाँ जाओगे बताओ मुझे? कहाँ ढूंढोगे? अपने अंदर ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? मुझे गुरु कहाँ मिले? अंदर, बाहर से गोद में ले लिया और उठा लिया, क्या कहा मैंने? इसलिए शुरू आगे क्या कहते हैं बोल, वाह तो करनी पड़ेगी। आज बच्चे की शादी कर दी
कहो बच्चा मैं जल्दी तेरा दादा बन जावा तो तेरा वो भी बड़ा टाइम लगेगा। क्या कहा मैंने, ये बहुत सहज का मार्ग है, बहुत प्रेम का मार्ग है, बहुत त्याग का मार्ग है। त्याग किसका? मन का, मन की दौड़ का, मन की, मन को रोको, मन की स्पीड को रोको। मैं भी फंस जाता हूँ कई दफा, आपको बता देता हूँ, जब मैं गुरु की वाणी को भूल जाता हूँ मेरा मन भी मुझे तंग करता है। क्या कहूँ मैं आपको, अभी भी मेरे को छूटता नहीं है, जब गुरु को भूल जाता हूँ। इसलिए गुरु को हमेशा अपने अंग संग समझो, फिर नहीं भूलोगे। आगे तुम्हारी ये तुम्हारा साथी बनेगा, ये तुम्हें उठाएगा, इधर जाओ इधर।
दूसरे को नहीं चलना, इसलिए वो कहते हैं तुम चलो मैं तुम्हें चलाऊंगा। गुरु की यही तो ड्यूटी है, गुरु का यही तो कृपा है कि वो शिष्य को अपने आप चलाता है। पढ़ो यही लाइन, पहले भी बताई है, आज गुरु के दरबार में संगत आई है, आज भी शेयर कर लेता हूं। मैं सतगुरु के दरबार, हम दोनों बिल्कुल कोई और नहीं। मैंने कहा पिताजी मुझे कभी कभी ऐसा ख्याल आ जाता है जिससे मैं दुखी हो जाता कि ये ख्याल मुझे क्यों आया। तो मेरे सतगुरु कहते बेटा तू तो जवान है, 1969 की बात है, मैं बूढ़ा हूं, मुझे भी कभी ऐसे ऐसा ख्याल आ जाता है जिसको मैं पसंद नहीं करता। अब मेरे चेहरे पर कुछ और भाव हो गए, ये मेरे सतगुरु को भी ऐसे ख्याल आते हैं और होता है ना। फिर मेरे सतगुरु एकदम बोले, कहते बेटा बात सुन, तू बहुत भाग्यशाली है, तेरे ऊपर मालिक की बड़ी कृपा है कि तुम्हें ये तो याद आ जाता है कि ये ख्याल अच्छा नहीं, अपने आप को संभाल लेता है। अगर उसकी कृपा ना हो तो उसी गंदे ख्याल में बह जाएगा और कोई ना कोई कर्म करेगा और तेरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए तू बड़ा भाग्यशाली है कि तुम्हें ये तो ज्ञान है कि ये शब्द ख्याल अच्छा नहीं है। अब दूसरी बात उन्होंने कहा, मुझे समझाया बच्चों की तरह, कहते बच्चा आपने को घर में पौधा लगाना है, फल वाला जब फूल वाला क्या करोगे, हमारी बातें हो रही। मैं कह पिताजी उस पौधे के मुताबिक मैं खड्डा खोदूंगा। फिर क्या करेगा, मैं कह पिताजी फिर मैं उसमें खाद डालूंगा। फिर क्या करेगा, फिर मैं अपने मनपसंद पौधा उसमें लाकर लाऊंगा। फिर क्या करेगा, मैं कह पिताजी उसकी मैं बाग भी करूंगा कि कोई जानवर ना खा ले। फिर क्या करेगा, उसमें पानी भी दूंगा, उसकी देखभाल हर रोज करूंगा। ये हमारी बात हो गई। अब हजूर ने फरमाया कि बेटा तू पौधा लगा दिया लेकिन उसकी देखभाल नहीं की तो फिर क्या होगा। मैं कह पिताजी को पौधा सूख जाएगा, तो पौधा सूख जाएगा। तो हजूर ने फरमाया ऐसे ख्याल को पानी नहीं देना। बात समझे, उस बुरे ख्याल को पानी नहीं देना, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, भूल जाना, वो सूख जाएगा, वो तेरे ऊपर असर नहीं करेगा। एक बात ये मेरी जिंदगी को पलटा कर दिया। दूसरी बात जिसने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां संत पहुंचते वो कौन सी बात है, 1975 उस हॉल में सत्संग हो रहा था, मैं हमारी सत्संग था और महीना मुझे याद नहीं है, तो संगत काफी आई भर जाता था, हाल होश होता, तो उस वक्त ये नहीं बना था, ये तो बाद में बना। तो दो प्रोफेसर लुधियाना यूनिवर्सिटी के आए हुए, तो वो महाराज जी के पास बैठ गए। मैं सबके पास जाता था, महाराज जी के जब अपने कमरे में थे चल जाते थे, मैं नहीं जाता था। तो वो महाराज जी के साथ रमन ऋषि की बात कर रहे हैं, रमन ऋषि हुए ना, तो बीच में मैं भी बोल पड़ा। मैं कहा प्रोफेसर साहब नहीं, मैंने भी पढ़ा ये बात ऐसे नहीं, ऐसे है। महाराज जी ने मुझे पूछा, उन्होंने कुछ भी कहा, बच्चा तू भी ऐसी किताबें पढ़ लेता है। मैं कहा पिताजी मैं भी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं भी पढ़ लेता हूँ कभी। मुझे आदेश दिया कि तूने कोई किताब नहीं पढ़ना, अपने मन की किताब पढ़ना, अब बात को पकड़ते रहना, अब मेरी बात को पकड़ते रहना। मैं कुछ कहने जा रहा हूँ,
ख्याल को अंदर बैठा लिया। जब मैं रिटायर हो गया, फ्री हो गया, तो फिर चिंतन शुरू किया कि महाराज जी ने कहा था तुमको किताब नहीं पढ़नी, किताब नहीं पढ़नी, तो किताबें लिखी, पढ़ी नहीं, लिखी। हजूर की अनेक सत्संग अंग्रेजी में लिखे, 6-14-15 किताबें छप गई उन दिनों में जब मैं रिटायर हो गया। एक दिन बैठ गया कि हजूर ने बोला मन की किताब पढ़ना, मन है का सुनो, मैं अपनी बात कहूँगा तुम्हारी नहीं कहूँगा, तुम शायद बुरा ना मान जाओ। मैं जब पैदा हुआ तो 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था, पानी की थैली में, और उसकी पानी की थैली ने इस छोटे से शरीर को नाभि से माँ के शरीर के साथ जोड़ा हुआ था उस पानी ने, और जो माँ खाती थी मुझे मिलता था, जो माँ पीती थी मुझे मिलता था, जो माँ देखती थी सुनती थी पढ़ती, पढ़ना तो क्या था, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसका असर मुझे अंदर मिलता रहा। क्या कहा मैंने, वहाँ मेरा मन नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं, मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूँ क्या नहीं। जब मैं 10वें महीने 3 सावन अभी 18 तारीख को था, मेरा जन्मदिन था 18 तारीख को, 3 सावन, मैं माँ के गर्भ से बाहर आया तो डॉक्टर ने झटका देकर मुझे सीधा कर दिया। मैं रोया होगा, बच्चे भी रोते हैं, क्यों रोया डॉक्टर नहीं बताते। मैंने पूछा डॉक्टर से, मैं जब बच्चा बाहर आता है तो मुझको ऐसा खट्टा करते हो, रोता क्यों है? कहते कमल जी पता नहीं है। मैं क्या, मुझे मैं बता देता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं वहाँ उल्टा ऐसे लटका हुआ था, झटका दे के जब फूक किया तो जो यहाँ शक्ति थी यहाँ सारी वो यहाँ, इसलिए यहाँ से अभ्यास शुरू किया जाता है ऊपर जाने के लिए, वो यहाँ। और मैं डर के रोया, वो डर कैसा था, अपने आप का था, कोई भय नहीं था, मैं कहाँ था, कहाँ से आ गया, मुझे कुछ भी पता नहीं। फिर मेरा नाड़ू काट दिया गया, माँ के शरीर से सप्लाई बंद हो गई तो माँ के स्तनों में दूध आ गया, इसके लिए छोटे बच्चे के लिए आया ना, और जब दांत निकले माँ का दूध भी सूख गया, कुदरत कहने लगे हम रोटी खा दूध ले। अब जब मैं ये सोचता यहाँ पहुंचा कि दांत निकले दूध सूख गया, जब दांत निकले तो दूध मिल गया, मैंने गर्भ में कुछ नहीं किया, तो मुझे विश्वास हो गया कि मेरा करने कराने वाला कोई है। विश्वास होना चाहिए कि नहीं बताओ मुझे, तुम्हें विश्वास होना चाहिए। गर्भवास में खबरें लेते हैं बाहर क्यों बिसरे, कबीर साहब ने लिखा है, तुम्हारे गर्भ में वो इतना इंतजाम करता है तो तुम बाहर क्यों उसको भूल रहे हो। इससे मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि वो है, वो मेरी देखभाल तब की, अब मुझे क्यों चिंता सताए, मैं नहीं करता। एक बार दूसरी बार और सुना देता, ये जितना बड़ा मंड है, अभी टाइम है शर्मा जी कह सकता हूँ, ये जितना बड़ा मंड है ये 5 तत्व का बना हुआ है, ये धरती माँ है, जल है, सूर्य देवता है, वायु है और आकाश है, इससे बहुत कुछ नहीं है ना, ये 5 तत्व का बना हुआ है, ये सारा गोल मंडल जितना भी है मंडलाकार, ये 5 तत्व का बना हुआ है। बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, जितनी धरती है इससे 3 गुना पानी है, जितना पानी है उससे 3 गुना अग्नि है, जितनी अग्नि है उससे 3 गुना हवा है, जितनी हवा है उससे 3 गुना आकाश है। अब तुम अंदाजा लगा लो ये ब्रह्मांड कितना बड़ा। अब तुम्हारा जो शरीर है ये काहे का बना है, 5 तत्व का बना है, इसमें भी पृथ्वी है, जल है, अग्नि है,
है, वायु है, आकाश है। धैर्य पाँच तत्व पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, सत्संग सुनो महापुरुषों के, वो सभी कहेंगे पांच तत्व का शरीर बना हुआ है, ये पांच तत्व का ये भी बना। तो ये पांच तत्व का शरीर छोटा ब्राह्मण बड़े ब्राह्मण में रहता है, बड़े ब्राह्मण। अब इस बड़े ब्राह्मण को जो बड़ा है उसको कोई चलाने वाली हस्ती है? नहीं है। सूरज समय पर चढ़ता है, समय पर डूब जाता है, मौसम बदलते हैं, हवाएं बदलती हैं, तूफान आते हैं, सब कुछ कौन कर रहा है? कोई हस्ती है ना? ये ब्रह्मांड क्यों नहीं खड़ा, इसको चलाने वाली कोई हस्ती है, मानना पड़ेगा। उसको किसी ने अल्लाह कह दिया, किसी ने खुदा कह दिया, किसी ने वाहेगुरु कह दिया, किसी ने अल्लाह कह दिया, किसी ने कोई और नाम रख दिया। उसका नाम हमने रखा जो अदृश्य है, असीम है, अरूप है, अनाम है, लेकिन वो है, है, है। एक बार इस ब्रह्मांड को कोई हस्ती चलाने वाली है तो ये छोटा ब्रह्मांड है, है नहीं? ये छोटा ब्रह्मांड है तो इसका को भी कोई चलाने वाली हस्ती है, नहीं समझे? इसको चलाने वाले भी कोई हस्ती तुम्हारे अंदर है, इसको चलाने वाला तुम्हारा मन नहीं है। तुम्हारा मन रोटी नहीं पचाता, तुम्हारा मन दूध का पानी नहीं बनाता, तुम्हारा मन के स्वाद नहीं देखता। अंदर जो कुछ हो रहा है तुम्हारा उस पर कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारी नमन शक्ति तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम सांस ले रहे हो, तुम्हारे बस में तुम्हारा सांस भी नहीं है। तो ये सब कुछ कौन कर रहा है, मानते हो कि नहीं? तुम्हारे शरीर की देखभाल कोई हस्ती कर रही है, उसको मान लो वो है, है, है। और वो हस्ती उस ब्राह्मण की हस्ती जो ब्राह्मण को चला रहा है उसकी हस्ती का वो अंश है। दूसरे शब्दों में तुम माल के कुल की अंश हो, तुम्हारी कोई जात नहीं है, तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, तुम्हारा कोई नाम नहीं है, तुम अनाम हो, तुम उस सतगुरु के प्यारे हो। इस बात को समझो ना समझो ये आप तक निर्भर करता है। मैंने जो समझा, मन है ही नहीं, है सब कुछ वो ही है। मन तो भुलेखा करता है, मन मैं करता है। जब ये तू 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 करेगा तो तू तू करता तू हो जाएगा। क्या कहा मैंने? मेरा ख्याल मैंने कोई कमी नहीं छोड़ो, घरों में शांति रखो, पहली बात हक हलाल की कमाई खाओ, दो रोटी मिलनी है ऐसे ज़्यादा नहीं, रहने को मकान मिलना चाहिए, खाने को इज्जत की रोटी मिलनी चाहिए, घर में प्रेम होना चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, बच्चों का करेक्टर का ख्याल रखो और कभी भी किसी के बुरा मत सोचो, सबका भला मांगा करो, अपने परिवार का भला मांगा करो, अपने पड़ोसियों का भला मांगा करो, तुम्हारा भला अपने आप होता जाएगा। क्या कहा मैंने? कभी किसी को नीच मत कहो कि ये गंदा है, ये है, वो है, तो हमारे से सब अच्छे हैं, हम ही बुरे हैं, हमारी नजर बुरी है। बुरा जो देखन मैं चला, पुराना मिला कोई, जब मन देखा अपना मुँह से पुराना कोई, तुम्हारा मन ही पुराना। इसलिए मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया, अध्यात्म भी कह दिया, जीने का रास्ता भी बता दिया, मियाँ बीवी में प्यार होना चाहिए, और मियाँ बीवी लड़ते हैं तो बच्चे भी लड़ेंगे, वो भी आगे जाके भी लड़ेंगे। ये घर की बात बता रहा हूँ, हक हलाल की कमाई मेहनत करो और उसको मालिक का समय का तेरा करो, तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको गुरु पूर्णिमा की पुनः बधाई देते हुए आपको सबको पूरे बना राधे स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी जय शक्ति चरण।